हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, दो सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं। चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएं कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 मई के, अगर मॉर्निंग में हुआ तो किस टाइम में हुआ है। यही चाहिए आपकी, पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफी काफी बच्चों की बात सुनी, 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहां पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो। सीजीआई बेंच काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीजें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का है, तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पेटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, दो सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे कैसे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएं कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 मई के, अगर मॉर्निंग में हुआ तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से, अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा है स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए आपकी, पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया उन्होंने, कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज ढूंढिए, कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे, और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, NTA खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफ़ी काफ़ी बच्चों की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए कि उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य सवाल है, हमें हर चीज़ जो है वो तह तक जाकर देखना होगा, पेपर कब लीक हुआ, पेपर लीक होने का नेचर कहा क्या था, कहाँ लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि जो उल्लंघन हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, यानी जो ब्रीच हुआ है पेपर लीक को लेके उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है या नहीं किया, उल्लंघन, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं। इसका कारण ये रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहाँ पे री टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहाँ पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमेटिक फेलियर था, तो सिस्टमेटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमेटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमेटिक फेलियर, इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहां से कहां गया, किसके अंदर सिस्टमेटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पे भी काफ़ी देर चर्चा हुई है, सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है, इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है, एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो, उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक बेनिफिशरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि कितने बेनिफिशरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फ़ायदा हुआ है, अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते, पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला किस मोड में पेपर लीक, इसके बारे में भी काफ़ी देर बात हुई क्योंकि 2 घंटा बात हुई तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है, आप तो जजमेंट ले, मैं तो 2 घंटा पूरा सुन रहा था बैठा था। एक बड़ा अच्छा चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि जो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर है, जब आप प्रिंट पे जाता है वापस दिल्ली आता है कि नहीं ये बताया नहीं उन्होंने, सॉलिसिटर जनरल कहा कि हम पूरा पूछ के सब चीज़ लाएंगे,
उसके बाद पेपर क्या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो ट्रैवल नहीं करता है कहीं पे भी, क्या सारी जगह पेपर हार्ड कॉपी में ट्रैवल करता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल करता है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी अच्छी एजेंसीज हैं, हमारे पास इतने साइबर एजेंसी, इतनी स्ट्रॉन्ग साइबर एजेंसीज, टेक्नोलॉजिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से हम ये पता लगाएं कि जिस टाइम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहाँ तो कोई चांस नहीं। एक और बड़ी चीज़ अच्छी सीजीआई साहब ने ये भी पकड़ी, और मतलब जैसे सो आई वॉज रेटेड सो हैप्पी, आज मैं इतना खुश था सीजीआई साहब को देख के, आई फेल्ट कि हाँ जस्टिस है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ और बड़ी अच्छी बोली कि कितने अब्रॉड में कहाँ कहाँ पे पेपर कंडक्ट होता है, भारत से बाहर कितने सेंटर्स हैं, और वहाँ पेपर कैसे पहुँचता है, क्या वहाँ पेपर डिजिटली पहुँचता है? अगर डिजिटली पहुँचता है तो लीक होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? तो उन्होंने ये भी बात की कि हम एक कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर लगाएं, कोई साइबर ऑडिट लगाएं, ऑडिट वर्क तो नहीं हुआ है कि किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी लगाएं और पता करें कि पेपर कहीं डिजिटली तो लीक